अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भले ही सपा का प्रदर्शन अच्छा न रहा हो, लेकिन मैनपुरी में नेताजी ने जीत दर्ज की थी। फिर भी मैनपुरी में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जिले में एक अहम शुरुआत की है। सपा के पूर्व विधायक और मंत्री आलोक शाक्य ने इसके बारे में जानकारी दी और क्या कहा, सुनिए। बहुत आ रहे हैं माननीय सांसद के पिता की इन्विटेशन पर, ये समाजवादी जनता दरबार सोमवार से इतवार तक प्रत्येक दिन अलग अलग लोग बैठ के समस्याएँ सुनेंगे। ये कब से लगने लगा विधायक की समाजवादी पार्टी कार्यालय? ये अभी कल से शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, तो किसकी पहल पर ये शुरू किया गया, क्या ऊपर से कोई निर्देश दिया? यहाँ माननीय हमारे सांसद उनके निर्देशन पर हम सारे लोग यहाँ बैठे। तो कितनी समस्याएं सुबह से लेकर अभी तक आ गई? सुबह करीब 10-12 समस्याएं आई हैं, उसमें बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक पूजा शर्मा नाम से हमारे पास एप्लीकेशन आई है, इनको कीरतपुर चौकी कोई मतलब नहीं है, न कोई मुकदमा कायम, कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी चौकी इंचार्ज है कीरतपुर मलिक, उसने 24 घंटे इनको थाने में बैठा लेके रखा, तो किस तरह जो बिल्कुल गलत है। तो किस तरह की आप यहाँ जो लोग आ रहे हैं किस कैसे मदद कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मदद मददगारियों से बात कर रहे हैं और उसके बाद उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे। अधिकारी की तरफ से कोई आ रहा है स्पष्ट निर्देश आ रहे हैं? मलिक से बात हुई थी चौकी इंचार्ज कीरतपुर से, उनका ठीक है मेरे पास भेजिए, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने 24 घंटे पूजा शर्मा को बैठाना, ये किस बेस पर बैठाना, ये जांच का विषय है। नहीं, अगर इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, और तमाम देख रहे हैं घटनाएँ, चार चार पाँच पाँच साल की बेटियों के साथ जब मैनपुरी में बलात्कार हो, लूट हो रही, अत्याचार हो रही, ये गंभीर मामले हैं, कानून व्यवस्था चौपट में ध्वस्त है। जनहित में पार्टी जिला कार्यालय पर जनता दरबार की शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है ताकि लोगों की समस्याओं को जानकर उनका निस्तारण किया जा सके, साथ ही लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिलवाया जा सके। लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने पार्टी के लिए माहौल बनाने में जमकर पसीना बहाया था और अब एक और इनिशिएटिव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों की माने तो पार्टी के इस कदम से आगामी वक्त में सपा की स्थिति जिले में और मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। आलोक शाक्य भी यही कह रहे हैं और लगातार पार्टी के इस इनिशिएटिव में अपना योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।